हेलो हेलो, कैसे हैं सब? मस्त। और आज हिंदी की क्लास में हम लेकर आए हैं मात्रा। किसकी? आ, आ की मात्रा। पिछली क्लास में हम लोग आपको पहले ही का वर्ण के साथ सारी मात्राएं बता चुके हैं, लेकिन अब हम इसको बिल्कुल बारीकी से आपको एक एक मात्रा सिखाएंगे, क्योंकि हमारे एडुबेस फाउंडेशन का जो ये चैनल है एजुकेशनल, इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखाना है। और आप भी ध्यान से इसको देखें, कॉपी पेन लेके बैठें और लिखें। मैंने इसलिए वर्कशीट के साथ ही इसको शुरू किया है, उसके बाद मेरे साथ साथ आप बोलेंगे जब कंप्लीट ये हो जाएगा। आज हमने मात्रा ली है हिंदी की, आ। हिंदी कैसे सीखें? जो अक्षर है ये हमारे स्वर हैं, और स्वर हमारा जो मेन उनका जो कार्य है स्वर का, वो क्या होता है? मात्रा बनाना। तो स्वर हमारा क्या है? ये आ बोलने के, मैंने पहले भी आपको हमेशा ये बताया कि उच्चारण पर जरूर ध्यान दें। यदि उच्चारण में आप जरा सी भी गलती या कोई गलतफहमी आपको रहती है, तो आपकी मात्राओं की हमेशा गलती बनी रहेगी, वो कभी भी नहीं सुधरेगी। तो इसलिए ध्यान दें उच्चारण पर। स्वर हमारा है आ, पूरा मुंह खुलता है, ध्यान से इसको बोल के देखें आ। इसमें क्या होता है, जो स्वर है, हमने स्वर व्यंजन में जब आपको पहले बताया था कि कोई भी किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता इन वर्णों में नहीं पड़ती है, स्वर हमेशा अकेले बोले जाते हैं और जो व्यंजन है उनको हमेशा स्वर की आवश्यकता पड़ती है। म जमा आ जमा ल जमा आ। मा ला, ध्यान से देखें हमारा जो शब्द बनता है ये बना मैं जमा आ। माँ, फिर ल जमा आ, माला। समझ में आ गया? म अ ल अ माला। त जमा अ जमा ल जमा अ ताला। ता ला, पूरा मुंह खोलकर बोलना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? और यही डिफरेंस होगा अ सिंपल, जैसे कल काला, क बोल रही हूँ तो उसमें आ की आवाज़ नहीं आ रही है तेजी से, जो आ की नहीं आ रही है, अ की आ रही है। तो यही डिफरेंस, हमें उच्चारण का ध्यान रखना है, तभी बच्चा कंफ्यूज भी नहीं होगा। और चाहें तो जो बच्चों को अपने खुद पढ़ाते हैं वो, या जो ट्यूशन या टीचर स्कूलों में पढ़ाती हैं, वो भी इस चीज़ को उच्चारण का, क्योंकि ये जो मिस्टेक है, किसी भी स्कूल में चले जाओ बच्चों की ख़त्म नहीं हो रही। किसी भी स्कूल का बच्चा देख लो, वो मात्राओं पे हिचकोले खा रहा है। इसका एक कारण तो सबसे बड़ा ये है कि हिंदी अपने आप में एक अकेला सब्जेक्ट रह गया है। पहले क्या होता था कि हिंदी में ही सारी किताबें होती थी, इंग्लिश एक अकेला सब्जेक्ट होता था। अब क्या हो रहा है, उल्टा, कि 9 किताबों में से 8 किताबें इंग्लिश में हैं, बाकी 1 हिंदी में। तो इसीलिए थोड़ा और ज़्यादा ये इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उच्चारण पे ज़रूर फोकस करें। ल ड़ क आ, ल ड़ क आ। देखो ल ड़ क आ, लड़का। समझ में आ गया? जो हमारा आ का जो स्वर है उसको, उसकी जो मात्रा, हम इस तरीके से होता है कि उसमें एक डंडा लगाते हैं। स आ म आ न, स आ सा म आ मा न, सा मा न। फर्क दिख रहा है मुंह के खोलने में? बोल के देखें, उच्चारित करके देखें इसको। व आ वा प स, वा प स वापस। समझ में आ गया? अ आ आ न अ
ना आना, आ ना आना। समझ में आ गया अच्छे से? उच्चारण पर फोकस करिए, बार बार कह रही हूँ। आगे बच्चों को इमला में दिक्कत नहीं आती है, टीचर्स भी देखें जो ट्यूशन पढ़ाती हैं, अक्सर बच्चों को ये दिक्कत है, स्कूल में भी ये प्रॉब्लम है कि वो सिंपल तरीके से उसको पढ़ा रहे हैं लेकिन वो डिफरेंस जो है बच्चा कर नहीं पाता है। और यदि स्कूल में और ट्यूशन में अच्छे से ध्यान दे दिया जाए तो बच्चा इतना परेशान नहीं होगा। ग आ गा, न आ ना, गा ना। शुरू में हमें इस तरीके से खींच के बोलना पड़ेगा और जब बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर उन्हें इतना हमें खींचना नहीं पड़ेगा, उनको खुद ही अपना आप पता लग जाएगा कि इसमें पता है वो एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को छोटा बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसीलिए जब बच्चा बेसिक्स जब सीखता है तो उस टाइम पे उच्चारण हमें थोड़ा सा ज़्यादा शोर मचा के बताना पड़ता है। ब आ बा, ज आ जा, बा जा, बाजा। ओके, आगे है र आ रा, ज आ जा, रा जा, श अ शा, म श्याम, श्याम, क आ का, म काम। खींच के बोलना है जहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, र आ रा, म राम। ओके, ब ह आ, हा न आ ना, बहाना, बहाना। बच्चे बहाना बना देते ना कई बार, ये बहाना वो हो जाता है, बहाना। या नदी में भी बहाते हैं कोई चीज़, जैसे किसी वस्तु को हम लोग कई बार फूल वगैरह भी बहाते हैं, बहाना। च आ चा, ब च आ चा व ल, चावल। खाते हैं ना बच्चे दाल चावल और खिचड़ी, बहुत सारी चीज़ें हमारे चावल की और इडली भी। ठीक है, तो अब हमने इसमें आपको ये जो करके दिखाया है इसमें प्रैक्टिस आप देखो। म आ ल आ, माला, ताला, लड़का, सामान, सामान, वापस, वापस, आ ना आना, गा ना गाना, बा जा बाजा, रा जा राजा, श्याम काम, राम, बहाना बहाना, चावल चावल। आ की मात्रा के अंदर आपने ये देखा किस तरीके से हमें खींच के बोलना पड़ रहा है। अब इसके और आपको हम एक्सरसाइज भी देंगे प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमने शब्द दे रखे हैं और आपको जो है इसमें लिखना है। जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, पहले मैं एक्सरसाइज का इसलिए बता रही हूँ, वो सिर्फ आपको रीडिंग सेक्शन में मैं बता के चलूँगी क्योंकि रीडिंग पीछे भी कराई है मैंने, ये करा भी रखा है। मैं यानी म आ ल आ, हो गया ना, माला। ऐसे ही आप ये खुद अपनी कॉपी पर बैठकर मतलब कॉपी पर लिखें, जब कॉपी लेके बैठें, और ये ज़रूर करें क्योंकि लिख के बिना आपको अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब पढ़ते हैं, रा मा रामा, का ला काला, गा ना गाना, गा ता गाता। पूरा मुंह खोलना है उच्चारण में, जैसे मुंह में गोलगप्पा जाता है, इतना बड़ा मुंह खोलना है। समझ में आ रहे हो ना, गोलगप्पा खाते हो ना। ठीक है, ता ना ताना, बा ना बाना,
जा ना जाना, ता ला ताला। अब ये जो अक्षर जब अ और आ दोनों का डिफरेंस देखना किस तरीके से बोला जाता है। चावल, चावल। प का, प का, पका। रा जा, राजा। घर, घर। चल, चल। जा कर, जाकर। दाल, दाल। पका, पका। राम, राम। अब, अब। वापस, वापस। आ, समझ में आ गया किस तरीके से हमें खींच के बोलना है। जब आप ये दो चार बारी प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से या की मात्रा आ जाएगी। गाना, गाना। मत, मत। गाना, गाना। मत गाना। वापस, वापस। चल, चल। मा, 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 मा। ना, 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 ना। माला, माला। जमा, जमा। शाम। बाजार, बाजार। वाला, वाला। दादा, दादा। चा, 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 चा। गाजर, गाजर। तारा, तारा। गमला, गमला। डिफरेंस क्लियर हुआ। ये अ ए आ, ए ए आ। गमला। कान, कान। आज की इस क्लास में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आ की मात्रा पर उच्चारण पर ज़्यादा फोकस देना है, और यदि आप उच्चारण को इतना ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये हमेशा दिक्कत रहेगी। आप आपकी मात्रा वाला जो डंडा है इसको नहीं लगाएंगे और फिर आपकी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है, मेरे साथ साथ बोलें जब आप ये लेक्चर देखेंगे वीडियो, और कॉपी और पेन या पेंसिल लेके बैठें और साथ साथ इसको लिखें। और जो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, मैंने इधर पूरा शब्द दिया हुआ है और आपको जो है यहाँ पर इसको फिल करना है, लिखना है। इसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद, लेकिन अभी आपके क्लास में नहीं है तो अभी इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है संधि विच्छेद को, पर आपको मात्रा किस तरीके से इसमें लिखा हुआ है वो लगाना है, ठीक है। तो संधि विच्छेद में तो पूरा अक्षर, शब्द और शब्द का डिफरेंस होता है। इसमें वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको हम आगे कराएंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आ की मात्रा इस तरीके से हमने प्रैक्टिस दी और पीछे भी। और अगर अभिभावक या ट्यूशन टीचर अगर वो चाहें तो जो मैंने पिछली प्रैक्टिस की जो शीट थी उस पे लिखा है उसको ना लिख के बाकायदा उसको पहले बिना उसके लिख के बच्चे को कॉपी पे अपना दें तो बच्चा उसमें बार बार प्रैक्टिस करेगा और बोलें साथ साथ, तो डेफिनेटली उसको जो है ये मात्रा कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।